सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन कुर्ती कटिंग की हुई है और डिजाइनिंग के लिए ये पर्पल कलर का हमने फैब्रिक लिया हुआ है, जिसमें हम बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। एक मैंने यहाँ पे बुकरम ली हुई है जिसमें से हमें गले की कटिंग करनी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें गले की कटिंग करनी होती है, जिसके लिए जो मैंने ये बुकरम ली है इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 9 इंच की होगी। यहाँ पे दोस्तों हमें जो गले की ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है 6.5 इंच तैयार। तो हम 3.25 पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे और हम बाहर की साइड एक निशान और लगाएंगे तकरीबन 1 इंच के ऊपर इस प्रकार से। अब हम यहां से एक डीप लेंथ का निशान लगाते हैं इस प्रकार से 4 इंच के ऊपर। इस निशान को हम पहले वाले निशान से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं गोल शेप देते हुए इस तरीके से। अब हमने जो बाहर की साइड निशान लगाया है इतना ही हम गैप रखते हुए बराबर शेप में एक निशान और लगा लेते हैं इस प्रकार से, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे टोटल डीप लेंथ देखनी है कि जितनी हमें डीप लेंथ रखनी है, जैसे हमें यहाँ पे 8 इंच रखनी है तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 1/8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो शेप देंगे इस प्रकार की देंगे, इस तरीके से। अब हमें नीचे की साइड लेंथ देखनी है। नीचे की साइड जो हमने एक्स्ट्रा ये पट्टी ज्वाइंट की हुई है यहाँ पे अभी हम तकरीबन 14 इंच तक या 13.5 इंच तक एक निशान लगाते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें कट डालना है सिंपल, जिसमें हम पोटली बटन और पाइपिंग की सहायता से एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। अब हमें पहले यहाँ पे कटिंग करनी है। अब हम इधर कटिंग करेंगे। अब हम नीचे से यहां से कटिंग करेंगे इस प्रकार से। यहां पे हमें हल्का सा सेंटर में कट रखना है जिसमें हम पाइपिंग लगा ले। इस प्रकार से दोस्तों हमने गले की यहां पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। ये हमारी 2 पट्टियां आएंगी यहां पे ऊपर की साइड इस प्रकार से, इस तरीके से। और पूरे गले में हम सुंदर सी एक पाइपिंग लगाते हुए यहाँ पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको पेस्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास ये बाहर वाला गला है इसको हम जो अस्तर है अस्तर के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और जो ये है ये हम मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों पेस्ट कर लिए हैं, ये गला भी और ऊपर की साइड यहाँ पे ये पट्टी भी। ये हमने डिजाइन वाले कपड़े के ऊपर जो हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है उसके ऊपर पेस्ट किया है और ये हमने अस्तर के ऊपर पेस्ट किया है। अब दोस्तों पेस्टिंग होने के बाद मैं आपको स्टिचिंग दिखाता हूं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये गला तैयार करते हैं जो बाहर वाला कपड़ा होता है उसको हम इस प्रकार से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हैं।
एक्स्ट्रा कपड़े को इस प्रकार कट करते हैं। अब हम गले का सेंटर बनाएंगे और कमीज का सेंटर बनाएंगे। दोनों का हमने सेंटर मिला लिया है यहाँ पे इस प्रकार से, और ऊपर की साइड जो हमने गला रखा है, अब हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी होती है। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है, और यहां से सेंटर से कट लगाया है बिल्कुल सेंटर में, और दोनों साइड इस प्रकार के सिलाई के नजदीक तक इस तरीके से कट लगाते हैं, और यहां पे गोलाई आती है हल्के हल्के इस प्रकार कट लगाते हैं, और गोलाई में भी यहाँ पे हल्के हल्के इस प्रकार कट लगाते हैं। अब हम गले को, बुकरम वाले गले को अंदर की साइड इस प्रकार नोक निकालते हुए फोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों सीधी साइड हमारी इस तरीके से आएगी गला पलटने के बाद अंदर की साइड को। अब हमें ऊपर की साइड ये दो पीस तैयार करने हैं, फिर मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखाऊंगा, पहले पीस तैयार कर लेते हैं दोनों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इसी साइज का कपड़ा लेते हैं, जैसे हमारे ये दोनों पीस हैं, तो हम नीचे की साइड इस प्रकार से रखेंगे कपड़े को इस प्रकार, यहाँ पे हमें इस तरीके से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। एक साइड बंद कर लेते हैं इस प्रकार से, एक पैर का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद यहाँ पे जहां गोलाई आती है, गोलाई में हम इस प्रकार हल्के हल्के कट लगाते हैं, और यहाँ पे नोक निकालते हुए इसको पलट लेते हैं, तो सीधी साइड हमारी इस प्रकार से आएगी। सेम इसी तरीके से दूसरा पीस भी तैयार करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों पट्टियां ये तैयार कर ली हैं। अब हमें इस प्रकार से मिलाना है यहाँ पे इस तरीके से, और ऊपर से सिलाई से अटैच करना है। जैसे मैंने एक साइड यहाँ पे अटैच की है, दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड की पट्टी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है पूरे गले में। पाइपिंग के लिए हमने ये पट्टी ली हुई है और रेब वाली, सेम इसी कपड़े की जो हमने डिजाइन के लिए लिया है उसी कपड़े की हमें पाइपिंग बनानी है। पहले डोरी वाली पाइपिंग बनाएंगे और एक पोटली बटन बनाएंगे। दो चीज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। पोटली बटन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम एक ये रुई लेंगे, रुई को इस तरीके से गोल कर लेते हैं हल्की हल्की शेप में इस प्रकार से,
फिर एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे कोई भी, उसमें इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से इसको गोल कर लेते हैं एक साइड में। इस तरीके से जब गोल हो जाएगा तो एक धागा लेंगे, धागा हम यहाँ पे इस प्रकार से लपेट देते हैं इस तरीके से। जब हमारी प्रॉपर शेप आ जाती है पोटली बटन की तो हल्का गैप रखते हैं, फिर हम इस प्रकार से एक जगह से और धागा लपेट लेते हैं। जहां पे दूसरा हमने धागा लपेटा है उसके साथ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी पोटली बटन की शेप इस प्रकार से आ जाती है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, हल्की रुई लेनी है, इसको हल्का हल्का गोल करते हुए हम यहाँ पे कपड़े के एक टुकड़े में इस प्रकार से रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके की शेप डाल देंगे ऐसे। जब गोल हो जाएगी ये शेप तो हल्की सी यहाँ पे इस तरीके से हम कपड़ा लपेट देते हैं, धागा लपेट देते हैं इस प्रकार कपड़े के ऊपर, हल्का गैप छोड़ते हुए फिर से धागे को लपेटते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे पोटली बटन दो तैयार किए हैं। हमें पूरी पट्टी में यहाँ पे पोटली बटन लगाने हैं तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे पोटली बटन तैयार करते हैं और एक पाइपिंग तैयार करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पोटली बटन भी तैयार कर लिए हैं पाइपिंग वाले। इस तरीके से बीच वाला पोटली बटन मैंने आपको दिखाया था, फिर उसके बाद हम ऊपर से डोरी घुमा देते हैं, फिर से धागा लपेट देते हैं तो पोटली बटन हमारा तैयार हो जाता है। और ये हमने पाइपिंग तैयार की हुई है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइपिंग ज्वाइंट करनी है। पाइपिंग ज्वाइंट करने के लिए नीचे की साइड रखेंगे पाइपिंग को इस प्रकार से और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे किनारी की। इस पॉइंट पे आने के बाद हमें धागा चेंज करना होगा। इस प्रकार दोस्तों एक साइड में हमने बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट की है, दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से पाइपिंग को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर ली है दोनों साइड में। अब हमें एक पट्टी लेनी है और जहां तक हमें गला तैयार रखना होता है वहां पे ये अटैच करनी है। दोनों साइड हम पट्टी को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं और एक साइड में इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस साइड सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी साइड जब सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे हमें पोटली बटन लगाने हैं। पोटली बटन हम एक एक करके इस प्रकार से यहाँ पे नीचे की साइड रखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम अच्छे से इसको पोटली बटन को इस प्रकार से दबाते हुए लगाते हैं यहाँ पे।
इसी के साथ में हम बाकी के पोटली बटन भी इस प्रकार से रखते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए बिल्कुल सफाई के साथ में। इसी तरीके से दोस्तों हम पूरी पट्टी में जो हमारे हमारा एक कट है गले में पूरे गले के कट में पोटली बटन कंप्लीट करते हैं। सभी पोटली बटन हमने बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और हमारा डिजाइन भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।